नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे स्वाति एपी किचन में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे लौकी और पालक की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, इसकी बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पे हम लौकी को काट लेते हैं छील के, और हम पालक को साफ करके धो के रख लेते हैं। पालक को भी काट लेते हैं और लौकी को भी। ये सब्जी देखिए दोस्तों, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने एक चम्मच तेल गरम कर लिया है, और तेल यहाँ पे हमने सरसों का लिया है। और तेल अच्छे से गरम होने के बाद हमने यहाँ पे जीरे से तड़का लगा लिया है। तो यहाँ पे आपको प्याज नहीं डालना है, प्याज से क्या सब्जी अच्छी नहीं बनती है, ये हरी सब्जी है। तो हमें यहाँ पे जीरे का ही इस्तेमाल करना है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे। तो यहाँ पे इसमें हम डाल देते हैं नमक, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, और इसको फिर से मिक्स करके हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे दोस्तों। तो देखिए पालक अच्छे से पक गया है, ये देखिए। और यहाँ पे जो हमने लौकी काट के रखी है, वो लौकी इसके अंदर डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने इसको मिक्स करके 4 से 5 मिनट हमने पका लिया है। और ये देखिए लौकी भी पक गया है अच्छे से। तो अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है हमने, 1/2 चम्मच डाल देते हैं हम हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देते हैं हम इसमें लाल मिर्च पाउडर। तो कोई भी मसाला दोस्तों आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे हमें पानी नहीं डालना है इसमें बिल्कुल, क्योंकि पालक के अंदर पानी होता है। तो यहाँ पे हमें पालक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए अच्छे से हमें मिक्स करके इसको 5 मिनट फिर से पकाना है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको 5 मिनट मसाले डालने के बाद पका लिया है। ये देखिए ये पक गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं लहसुन, और हरी मिर्च को हमने कूट के रख लिया है तो वो डाल देते हैं इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर से हमें 2 मिनट पकाना है इसको। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हमने फिर से पका लिया है, और यहाँ पे इसको मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर हम लास्ट में इसलिए डालते हैं कि टमाटर थोड़े खट्टे होते हैं, तो टमाटर जल्दी डालने से क्या सब्जी पकती नहीं है, तो इसलिए टमाटर हम लास्ट में डालते हैं। टमाटर डालने के बाद इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे और हमारी सब्जी बनके तैयार है। तो जब तक हमारी सब्जी पकती है, आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताना दोस्तों। और लास्ट में हम डाल देते हैं इसमें हरा धनिया, और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी बनके तैयार है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना।